नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए राजद की तरफ से दोनों प्रत्याशियों के नाम पर निर्णय ले लिया गया है। दोनों प्रत्याशी पूर्व विधायक फयाज अहमद और नए वर्तमान सांसद मीसा भारती ने अपना नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर दिया है। साथ ही अब दोनों ने शपथ पत्र के साथ जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसके अनुसार फयाज अहमद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती की संपत्ति की सारी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत ही ये पता चला है कि फयाज अहमद लालू की बेटी मीसा से ज्यादा अमीर है। पेश किए गए संपत्ति के ब्यौरे के अनुसार फयाज अहमद और उनकी पत्नी निखत रियाजी दोनों के पास करीब 10 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति है। इसमें फयाज के पास 250 ग्राम सोना है तो उनकी पत्नी के पास 2 किलो सोना, 20 ग्राम हीरा और आधा किलो चांदी है। फयाज के पास सिर्फ 56,000 रुपए नकदी है, जबकि बैंक खाते में 2.20 लाख रुपए जमा है। पत्नी के बैंक खाते में 6.29 लाख रुपए जमा है। पूर्व विधायक फयाज ने आय के मुख्य स्रोत में विधानसभा से पेंशन, कृषि एवं अन्य स्रोत बताए हैं। वहीं मीसा भारती 3 करोड़ रुपए से अधिक चल अचल संपत्ति की मालकिन है। इसमें 1,69,91,191 रुपए से अधिक की चल और 1.46 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। मीसा के पास सिर्फ 90,000 नकदी है, जबकि उनके पति शैलेश कुमार के पास 1.30 लाख रुपए है। इनके 3 बच्चे हैं। मीसा की बड़ी बेटी दुर्गा भारती के नाम करीब 27 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। दूसरी बेटी के नाम करीब 15 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं बात करें अगर शिक्षा की तो मीसा भारती ने साल 2000 में MBBS की शिक्षा पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से प्राप्त की। वहीं 1987 में LN मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से स्नातकोत्तर की डिग्री और 2004 में PhD की डिग्री ले ली। मीसा भारती के खिलाफ 4 आपराधिक मामले लंबित हैं। वहीं फयाज पर मधुबनी में 3 आपराधिक मामलों में भी संलिप्त होने की जानकारी मिली है। जारी पत्र के अनुसार राजद के दूसरे प्रत्याशी डॉक्टर फयाज के पास एक डबल बैरल गन और JCB भी है। वहीं इनकी बीवी निखत टाटा बस की मालकिन है। वहीं राज्यसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही और राजद की तरफ से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ ही राज्यसभा में राजद के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 6 हो जाएगी। वर्तमान समय में राजद की तरफ से मनोज झा, मीसा भारती, AD सिंह, अशफाक अहमद, करीम और गुप्ता कुल 5 सांसद है। मीसा भारती का कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का टर्म अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है, जबकि मनोज झा और अहमद अशफाक का टर्म अप्रैल 2024 में पूरा होगा। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर राजद और भाजपा में 2-2 और जदयू में 1 उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जिनके नामों का ऐलान भी हो गया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।